और उधर के लिए जा पाएँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था यहाँ पे रुक जाओ, गेहूँ का काम चल रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाओ तो मैं रात भर जागरण अटेंड कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में कोई रुक जाता फिर मेरे बेटे के पास में, वो रात भर तो वहाँ बैठ नहीं पाएगा और वहाँ पर सोएगा भी नहीं, मुझे पता है वो आधे से उठा कर लाएगा। तो जागरण देखेंगे जैसे भी हो पाएगा, अब हमें अकेले अटेंड करना पड़ेगा तो थोड़ी देर का हो पाएगा, मैं दिखाऊंगी उसका वीडियोज़ भी आपको। और ये पूजा चल रही है मेरी सुबह की, अभी फ़िलहाल मंदिर सेट नहीं किया है क्योंकि मंदिर ख़रीदना है हमको, और ये तब तक नवरात्रे हैं तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, मैं हर साल करती आई हूँ, तो ये तब तक यहीं पे सेट कर दिया मैंने, नई जगह में वैसे भी पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है, तो फिलहाल ऐसे ही सेट किया, जब मंदिर आएगा तो इनको ऊंचाई पे सेट करेंगे हम भगवान जी को। ये पाठ ख़त्म हो गया, अब आरती करके हम उठेंगे। वहाँ पर पैकिंग करने में टाइम लगाया, अब यहाँ पर निकालने में टाइम लग रहा है, देखो कितना हो गया एक साथ सब। ये देखो गाइस, अभी हम घूम रहे हैं छिंदवाड़ा की सिटी में रात के समय, कितना सजा हुआ है सब कुछ, बहुत अच्छे से नवरात्रि की खुशी में ये सब सजा है डेली। आगे आगे चल रहे हैं नीलम और रजत, सॉरी बेटा, ये है यहाँ का षष्ठी माता मंदिर, कितना सुंदर सजा है। कल यहाँ आएंगे हम, फिर आप लोगों को दर्शन कराएंगे। था अच्छी बड़ी सिटी है, बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पर, ये देखो ये वुडलैंड का है, ये प्लेनेट फैशन, काफ़ी कुछ है यहाँ, ये परंपरा है, अच्छी बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे, अच्छे हैं। ये मोंटे कार्लो का भी है यहाँ पे, बेस्ट थिंग यहाँ पे तनिष्क भी है, जो कि मैं पुलगांव में बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। कहाँ से घूमोगे आप? मेरे हस्बैंड जी चले गए गाँव, उनको मैंने बोला था जागरण मत जाओ तो चले गए गाँव, और मजबूरी में मुझे इसको साथ आना ही पड़ रहा है। और ये गाइस हमको ना आधे में से उठा कर ले आया, मैंने इसको बोला वहीं पे गोदी में सो जा, लेकिन सोया ही नहीं।
बस ऐसे ही ले आया हमको वापस।